अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा आज की शॉर्ट वीडियो में बेसिकली हम कुछ और टारगेट कॉस्टिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक आध होमवर्क भी मिलेगा आपको। जो प्रीवियस लेक्चर है बेसिकली जो लेक्चर नंबर 9 था जिसमें हमने टारगेट कॉस्टिंग की थ्योरी डिस्कस की थी, वो थ्योरी मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका था पहले लेक्चर। तो समझे, जिसने पुराना लेक्चर नंबर 9 जिसने देखा है तो एक किस्म का रिविजन ही था, ऑलरेडी वो हम देख चुके हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो में हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं टारगेट कॉस्टिंग इंशाल्लाह। एक आध होमवर्क देते हैं और फिर मैं आपको ना व्हाट्सएप का नंबर भी दूंगा एएसए के एडमिन का, ताकि अगर आपको कोई मसला हो तो और आंसर चाहिए हो आपको होमवर्क का, तो आप उस पर बेसिकली व्हाट्सएप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन 37 जी, द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज सेट एट $350। सेलिंग प्राइस डिसाइड होगी भाई $350। ओके, सेल्स फॉर द कमिंग ईयर एक्सपेक्टेड टू बी 500 यूनिट्स। अ रिटर्न ऑफ 30% ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 300,000 इन प्रोडक्ट एक्स विल बी रिक्वायर्ड। 300,000 का 30% रिटर्न है जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि 90,000 आता है। आप यूनिट बनाएंगे कितने? 500। तो रिटर्न पर यूनिट कह लें या डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट कह लें कितना आ जाएगा? 180 पर यूनिट। जो डिजायर प्रॉफिट है 180 है। वो कह रहे हैं व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। इसमें से आप लेस कर दें टारगेट प्रॉफिट कह लें, मार्जिन कह लें, विच इज 180। तो बड़ा 170 आपके टारगेट कॉस्ट है। क्वेश्चन 38, अ कंपनी हैज कैलकुलेटेड दैट द टारगेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जी इज $40। सो टारगेट कॉस्ट $40 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, टारगेट कॉस्ट $40 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। दिस इज बेस्ड ऑन एन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम ऑफ 300,000 यूनिट्स। ओके, द कंपनी विशेस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल। पहले तो यहां रुक जाए, जब एक परसेंट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल इज मार्जिन, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल इज मार्जिन, और मार्जिन के केस में हमें एक चीज पता होनी चाहिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होती। मार्जिन में आपकी सेलिंग प्राइस 100% है, अगर प्रॉफिट 25 है तो कॉस्ट 75% है। मार्जिन में आपकी सेलिंग प्राइस 100% होती है, मार्जिन में आपकी सेलिंग प्राइस 100% होती है। मार्कअप अगर होता तो आपकी कॉस्ट 100% होती है। यहां पे देखें 25% ऑन सेल्स, तो परसेंटेज ऑन सेल इज मार्जिन। तो बेटा टारगेट कॉस्ट ऑलरेडी उसने बता दिए 40, तो लॉजिकली ये 40 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 75% को। अब वो मांग क्या रहा है हमसे? कह रहा है व्हाट मार्केट प्राइस इज द टारगेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जी बेस्ड ऑन। आपने वो मार्केट प्राइस निकाल दी है 2 decimal places के लिए। अब सुनिएगा, 40 आपको गिवन है जो कि 75% को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट मार्जिन 25% है और इसको 100% में लाना है। ये बेसिकली 75% है और सेलिंग प्राइस क्या होगी? 100%। तो ये ले जी सिंपली, अगर मैं सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करके दे दूं, हमें 40 को जो कि 75% को रिप्रेजेंट करता है 100% में लाना है। तो आप 40 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 75 से डिवाइड कर दें। आप 40 को 100 से मल्टीप्लाई करें और 75 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ रहा है 53.33। तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस आ रही है दैट इज 53.33। क्वेश्चन 39, टी कंपनी यूजेस टारगेट कॉस्टिंग। The company wishes to close the target cost gap that exists for one of its products. Which of the following may be used to close the target cost gap? So, कौन से strategy इस्तेमाल होगी cost gap को कम करने के लिए? Replace skilled workers with less skilled workers for more basic production task. Yes, ये logical है sir. आप रिप्लेस आप कर क्या रहे हैं? स्किल्ड वर्कर्स को रिप्लेस कर रहे हैं लेस स्किल वर्कर से, लेकिन फॉर बेसिक प्रोडक्शन टास्क। और भाई बेसिक प्रोडक्शन टास्क में तो कोई भी बंदा ला सकते हैं आप,
पैसा बच जाएगा आपका, पैसा बचेगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम होगी। सेकंड क्या कह रहे हैं, रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग मटेरियल विद अ हायर क्वालिटी मटेरियल। अच्छा ये पॉइंट नंबर टू, तो आपकी टारगेट कॉस्ट मतलब आपकी जो आपका जो कॉस्ट गैप है वो बढ़ा देगा कॉस्ट गैप। क्यों? जब आप एक एग्जिस्टिंग मटेरियल को हायर क्वालिटी के मटेरियल से रिप्लेस करेंगे तो हायर क्वालिटी का मटेरियल तो महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो कॉस्ट गैप कम थोड़ी होगा, उल्टा और बढ़ेगा। रेजिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ द, सर आप टारगेट कॉस्टिंग में सेलिंग प्राइस बढ़ा ही नहीं सकते। एक्चुअली टारगेट कॉस्टिंग में तो आप पूरी मार्केट का रिसर्च करते हैं, उस मार्केट रिसर्च के बाद, सर्वे के बाद फिर एक कंपेटिटिव प्राइस डिसाइड की जाती है, वो तो आप बढ़ा ही नहीं सकते। यूज अ हायर ग्रेड लेबर टू कंप्लीट वर्क अहेड ऑफ शेड्यूल, लॉजिक ही नहीं बनती सर। सिर्फ और सिर्फ पहला पॉइंट ऐसा है जिसको, पहली स्ट्रेटजी ऐसी है जिसको अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट गैप आपका क्या होगा, डेफिनेटली आपका कॉस्ट गैप बेसिकली कम हो जाएगा। क्वेश्चन 40, द फॉलोइंग आर द ऑल स्टेप्स इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस फॉर अ प्रोडक्ट, रैंक देम इन द करेक्ट सीक्वेंस। बेसिकली आपने टारगेट कॉस्टिंग की सीक्वेंस बतानी है, उसमें सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर हम टारगेट प्रॉफिट पे बेसिकली आते हैं। सेलिंग प्राइस में से आप टारगेट प्रॉफिट माइनस करते हो तो आपके पास टारगेट कॉस्ट आ जाती है, फिर आप चेक करते हैं बेटा हमारी करंट कॉस्ट क्या है तो आपके पास कॉस्ट गैप आ जाता है। तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं, उसमें से हम लेस करते हैं रिक्वायर्ड प्रॉफिट, तो हमारे पास तीसरे नंबर पे टारगेट कॉस्ट आ जाती है, फिर हम करंट कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं तो पांचवें नंबर पे हमारे पास क्या आता है, टारगेट कॉस्ट गैप। क्वेश्चन 41 को देखते हैं जी, 41 में वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब टारगेट कॉस्टिंग, इट कैलकुलेट्स द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड देन एड्स प्रॉफिट मार्जिन। नहीं सर, ये तो अब्सॉर्प्शन में कभी हुआ करता था। इट एलोकेट्स ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स बाय कलेक्टिंग द कॉस्ट इनटू पूल्स एंड शेयरिंग देम आउट अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ, नहीं सर एबीसी की बात कर रहा है। It identifies the market price of a product and then subtracts a desired profit margin to arrive at a desired cost. Yes. So C is the answer. Iska answer C. It identifies different markets for a product then sells them same product at different prices at each market. So market discrimination. So price discrimination. C is the answer. D to price discrimination ki baat kar raha hai. Ek hi product ko different price pe sell karna. Question 42. Sares company has set a budgeted labor cost based on the assumption of a learning rate of 80%. Its production director has now found that the actual learning rate is 70. Yaad rakhega, agar learning rate jitna kam hoga, uski interpretation ye hai ki aapka labor utna zyada skillful hai. Repeat. Learning curve ki percentage jitni kam hogi, लर्निंग रेट की परसेंटेज जितनी कम होगी, इसका मतलब ये होगा कि आपका लेबर उतना ज्यादा स्किल्ड फुल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर हम 80 से 70 पे हैं तो क्या ट्रू है, द कॉस्ट गैप विल इंक्रीज एंड द टारगेट कॉस्ट विल इंक्रीज। नहीं सर, पहला गलत है, मतलब कॉस्ट गैप को तो कम होना चाहिए ना, और टारगेट कॉस्ट क्यों बढ़ेगी भाई, टारगेट कॉस्ट तो अपनी जगह पर रहनी चाहिए। The cost gap will decrease and the target cost will, so target cost क्यों decrease होगी, आपके बंदे अच्छे हैं तो आपकी जो आपका जो cost gap है वो कम करेगा ना ज़्यादा, इसके से target cost थोड़ी कम करेगा। The cost gap will remain the same and the target cost, नहीं सर, the cost gap will decrease and the target cost will remain the same, ये ना सर। अगर आपका बंदा ज़्यादा skillful है, ठीक है, तो basically उससे होगा क्या, cost gap कम होगा लेकिन टारगेट कॉस्ट क्या रहेगी, वो तो सेम रहेगी। क्वेश्चन 43, विच टू ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर रेलेवेंट टू टारगेट कॉस्टिंग, वैल्यू एनालिसिस, बिल्कुल आईएसओ कंट्रीब्यूशन एनालिसिस, तो ये तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग में देखते हैं। वेरियंस एनालिसिस तो एक फीडबैक किस्म की टेक्निक है कि एक वेरियंस एडवर्स या फेवरेबल आ चुका है, अब आप बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं कि यार ये जरा फाइंड आउट करते हैं वेरियंस क्यों आया, ये तो फीडबैक, वेरियंस एनालिसिस इज अ फीडबैक कंट्रोल। हम बेसिकली अब टारगेट कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हम फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की बात करते हैं, हम बेसिकली जो
फीड फॉरवर्ड की बात करता है। फंक्शनल एनालिसिस, एक्चुअली फंक्शनल एनालिसिस के अंदर हम व्हाट डू वी डू, हम सिंपली जो हमारी प्रोडक्ट है समझे हम उसकी फीचर्स को ब्रेक कर देंगे ये देखने में कि यार इसमें से कौन सी वैल्यू एडेड फीचर्स हैं, कौन सी वैल्यू एडेड नहीं है, किसे कस्टमर वैल्यू असाइन करता है, किसे वैल्यू असाइन नहीं करता। जिसे कस्टमर वैल्यू असाइन करता है वो फीचर्स रहने देंगे, जिसे नहीं असाइन करता उसको नहीं रहने देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आप आंसर इज अल्फा एंड डेल्टा। बड़े ये आपका होमवर्क है, एडवर्ट कंपनी के नाम से क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है जी, इस होमवर्क के लिए आप जो व्हाट्सएप करेंगे ना, अगर आप पाकिस्तान से बाहर है तो आप +92333666214 पे व्हाट्सएप करेंगे आंसर अगर आपको चाहिए, वरना आप कैपलाइन या बीपीपी की किट में देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बेटा अगर आप पाकिस्तान में ही है तो आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा व्हाट्सएप नंबर है, एएसए का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे क्वेश्चन होमवर्क का नंबर, उसका नाम पेपर लिख के भेजेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा इंशाल्लाह, प्रोवाइडेड दैट कि आप हमारे पास इनरोल्ड भी हो। ठीक है जी, ऐसा ना हो कि आप यूट्यूब पे ही देख रहे हो तो फिर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यूट्यूब पे भी बहुत से लेक्चर्स हम अपलोड कर लेते हैं बच्चों के लिए। तो इसका आंसर आपको आप हमारे एडमिन को व्हाट्सएप करेंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत ही स्मॉल वीडियो थी जिसमें हमने टारगेट कॉस्टिंग के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम एंड हैव अ नाइस लाइफ।